अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। उत्तराखंड में कंट्रोल में है कोरोना, मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने दी जानकारी। ऑरेंज जोन में शामिल हुए सभी 13 जिले। देश भर में हाहाकार मचा रहे कोरोना को कंट्रोल करने में उत्तराखंड सरकार की पहल सफल रही है। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सभी 13 जिले ग्रीन से ऑरेंज जोन में आ गए हैं। मीडिया ब्रीफिंग करते हुए राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने माना कि संक्रमण में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह भी दावा किया कि यह अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। मुख्य सचिव ने तकरीबन 2.5 लाख प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से 1.5 लाख लोग अपने वतन लौट चुके हैं। आइए सुनाते हैं चीफ सेक्रेटरी ने और क्या कहा। बहुत बधाई दूंगा अपने समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का, हमारे पुलिस कर्मियों का, हमारे प्रशासन के कर्मियों का, कि वो जनता की सेवा भी कर रहे हैं। जो हेल्थ से रिलेटेड उनको निगरानी रखनी है, जो दायित्व दिए गए हैं उसका भी पालन कर रहे हैं और वो अपना सुरक्षा भी कर रहे हैं। तो बहुत सूझबूझ के साथ हमारे लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि हमारे लोग मुस्तैद हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कार्य कर रहे हैं। कि हमारा रिस्पॉन्स जो है एक बैलेंस्ड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होता है। यह आपदा एक दूसरी तरह की आपदा है। हमने भूकंप देखे हैं, हमने भूस्खलन देखे हैं, हमने बड़ी बाढ़ें देखी हैं, हमने और इस प्रकार की आपदाएं देखी हैं, जहां पूरा प्रयास रहता है कि जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से हम लोगों को कितनी जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हमारे बहुत बड़े संख्या में उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं अन्य राज्यों में, उन्हें हम ले आएँ। सबसे बड़ी इस समय चिंता हमारी वो है कि उन्हें हम सुरक्षित तरीके से ले आएँ। और इसके अलावा जो व्यवस्था है वो जैसे जैसे समय बीतेगा वो निर्णय लिए जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो बाहर से आ रहे हैं उन्होंने बड़ा धैर्य और संयम और साहस का परिचय दिया, वो उन्हें हम यही निवेदन करेंगे कि कुछ दिनों की बात है, हम सबको ले आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य शासन ने हर मौके पर बताया है और आप देख रहे हैं कि लगातार ट्रेनें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, हवाई जहाज़ से भी लोग आएंगे। और उसी तरीके से हमारे प्रदेश के अंदर जिनके आत्मीय, जिनके परिवार के लोग बाहर हैं, नेचुरली उनके दिल में भी काफ़ी उत्कंठा है कि कितनी जल्दी उन्हें ले आएँ। तो मैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ा संयम का परिचय दें, ताकि ऐसा न हो कि आने के बाद आप परेशानी में पड़ें और जो आ रहे हैं वो परेशानी में। अभी आपने हाल में देखा कि कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी, जो हमारे परिवहन से जुड़े हुए प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उद्यमी, उन सभी को उन्होंने कुछ राहत पहुंचाई है अलग अलग तरीके से, जिसका माननीय मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में आपको विस्तार से बताया है, तो उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। अगर हम संयम के साथ, अनुशासन के साथ अगर हम चलेंगे तो हम बीमारी को कंट्रोल करेंगे और बहुत जल्दी सारी आर्थिक गतिविधियों को हम प्रारंभ कर पाएंगे। और अगर हमने इस समय अनुशासन को थोड़ा सा भी तोड़ा तो ये फिर परेशानियां जो हैं वो लंबे समय तक चलेंगी। तो हमारा और आपका और सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि अगर हम अगले एक महीने तक अगर अनुशासन से जिए, ऑलरेडी हमने बहुत सारी छूट दी हुई है, हम चाहते हैं कि एकदम नॉर्मल हो जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम आगे के कुछ सप्ताह में पूरी तरह से अनुशासन का पालन करें। स्वास्थ्य टीम प्रत्येक ज़िले की सूचना आज तक की कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद सभी मानकों को देखने के बाद वो फिर अपनी सिफारिश करेगी और उसी हिसाब से फिर जिलों का वर्गीकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।